मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। ये मल्टीप्लीकेशन ऐसी नहीं है जैसे नॉर्मल मैथ्स में होती है कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4 8 है, ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसा है, मल्टीप्लीकेशन दो टाइप की है। जब आप ए वेक्टर को बी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो ए इज़ अ वेक्टर, बी इज़ अ वेक्टर, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आंसर वेक्टर ही आए, आंसर वेक्टर आए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर वेक्टर आए, तो उस मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। और अगर आप ये चाहते हो कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर आए, वेक्टर ना आई कैप जे कैप में ना आए, नंबर आए 2, 4, 10 कुछ भी स्केलर आए, तो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज़ करते हैं अलग अलग, ये भी मैं बताऊंगा टाइम के साथ। पर जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, तो आप मुझसे पहला क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, सर कौन सी मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि दोनों के मेथड क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि वेक्टर करनी है या स्केलर करनी है। अगर वेक्टर करनी है तो आंसर वेक्टर आएगा, स्केलर करनी है तो आंसर स्केलर आएगा, राइट। दोनों की पहचान, स्केलर के ए और बी वेक्टर के बीच में लगता है डॉट, डॉट का मतलब है कि आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। और अगर बीच में लगता है क्रॉस, तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और अगर बीच में कुछ भी नहीं लगता तो वो क्वेश्चन पक्का गलत है, ऐसा अलाउड ही नहीं है। ये कोई मैथ्स नहीं है कि ए और बी इकट्ठा लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। तो यानी कि वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन में आपको डॉट या क्रॉस पक्का गिवन ही होगा, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर डॉट लगा है, इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट। उसी तरीके से अगर क्रॉस लगा है तो आंसर वेक्टर आएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक? अब आज जो हम काम करेंगे वो क्या है, स्केलर के ऊपर करेंगे। तो आज जो हमने प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो आज स्केलर पे करेंगे, हमारा आंसर स्केलर ही आएगा। कैसे करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन में? आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल क्या गिवन है, थीटा। आपको तीन चीजें हमेशा गिवन होती है, चाहे एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लीकेशन, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर और एक थीटा। और आप क्या चाहते हैं, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, और कौन सा मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा, तो इनटू क्या आएगा, कॉस थीटा। तो क्या फॉर्मूला बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। मैं करके दिखाता हूं। जैसे हमने तीन यूनिट वेक्टर सीखे, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। मैं ये चाहता हूं कि आप आई डॉट आई निकाल लें, आप आई कैप विच इज यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें खुद आई कैप के साथ। तो लिखते हैं आई डॉट आई का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1 इनटू, इनटू मतलब नॉर्मल मैथ चल रहा है अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड आई इज 1 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई। अब आई कैप कहाँ है, यहां। अब दूसरा आई कैप भी कहां बनाएंगे, यहीं पे। तो एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल हमेशा क्या बनेगा, 0, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पर कॉस ऑफ क्या बनेगा, 0। तो 1, 1, 1 विल गिव 1। तो आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा, 1। फिर देखो जे डॉट जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1, नेक्स्ट जे इज 1 इनटू जे और जे में, ऊपर जे ये भी जे, जे और जे में एंगल क्या बनेगा, 0, कॉस 0 इज 1, आंसर इज 1। सिमिलरली के डॉट के, 1 इंटू कॉस ऑफ 0 इज 1। सिमिलरली आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1,
और एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90, तो कॉस 90 क्या है? जीरो. आंसर क्या आएगा? जीरो. क्लियर है यहां तक? ऐसी जे डॉट के में भी एंगल क्या बनेगा? 90, जीरो. के डॉट आई में क्या बनेगा? जीरो. तो हम अपने क्वेश्चन में अब ये नहीं करेंगे, हम सीधा फॉर्मूला याद करेंगे. क्या फॉर्मूला है? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे के आई 0. अगर तो सेम सेम डॉट प्रोडक्ट है तो 1, अगर डिफरेंट है तो 0. तो 6 फॉर्मूलास क्लियर है, ठीक है यहाँ तक. अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है उसको देखते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपकी डॉट प्रोडक्ट है इट इज़ कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लें या आप वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लें, आंसर दोनों में क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम, बिकॉज आंसर को नंबर आएगा, स्केलर, स्केलर तो चेंज होगा नहीं. जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा. इसको ओपन करेंगे बी ए कॉस थीटा, दोनों में कोई फर्क नहीं है तो आंसर सेम आता है. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता डॉट प्रोडक्ट में. नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ओवर एडिशन, कि अगर मान लो आपके पास ए वेक्टर है डॉट, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर का एडिशन है, तो मैं इसे ओपन करके ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. अगर आपने डॉट नहीं लिखा फिर ये गलत हो जाएगा, तो आपने इसमें डॉट लिखना ही लिखना है. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जब आप इसे ओपन करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है. नेक्स्ट है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल बिटवीन देम इज जीरो. ए बी इधर, बी बी इधर, एंगल इनके बीच में जीरो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होगा? ए इंटू बी इंटू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज जीरो, तो क्या आएगा? कॉस ऑफ जीरो, विच इज इक्वल टू क्या? वन. तो क्या आएगा? ए इंटू बी. कोई डाउट इसमें? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए बी. पर मेरे को लगता है इसको याद करने का फायदा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो हम वैसे भी पता है ए वेक्टर बी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल जीरो लिखते हुए हम वैसे भी ओपन करेंगे, आंसर ए इंटू बी आएगा. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं तो जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओपन करें ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90. तो ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल क्या होगा? 90. कॉस 90 क्या होगा? जीरो. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इक्वल टू जीरो. कोई डाउट इसमें? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो ए वेक्टर देगा, आपको वो क्वेश्चन में बी वेक्टर भी देगा और आपसे पूछेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दो. अब जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना होगा तो उस केस में जो आपके माइंड में ये आएगा कि मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो आप कहेंगे कि ठीक है ए बी कॉस थीटा, सबसे पहले माइंड में यही आएगा. फिर आप क्या कोशिश करेंगे? ए की वैल्यू को पुट करने की कोशिश करेंगे. तो ए की वैल्यू बोलो क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का, इनके कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ए की वैल्यू आ जाएगी. फिर आप बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू भी आ गई. फिर आप क्या ढूंढेंगे? इनके बीच में एंगल, और आपको इनके बीच में एंगल नहीं गिवन. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आप इस मेथड से अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. गलत नहीं है, फॉर्मूला तो सही है, पर आपको ए पता है, आपको बी पता है, आपको एंगल नहीं पता, तो ये मेथड नहीं काम कर रहा है. कोई बात नहीं, नया मेथड देखो. नए मेथड में आप ए बी कॉस थीटा यूज ही मत करें, आप सिंपली ए वेक्टर को की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें. ए वेक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है? ये रही, ये ए वेक्टर की जगह पुट कर दिया,
डॉट का डॉट है और बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर को पुट कर दिया, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, और बीच में क्या लगा दिया? डॉट। मैंने ए बी कॉस थीटा यूज ही नहीं किया, मैंने सिंपली ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दिया और बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, और बीच में क्या लगा हुआ है? डॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन क्लियर है? ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दी, क्लियर है? ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का बी वेक्टर, इसको ओपन कर दो। ये देखो ओपन, देखो कैसे करना है, ध्यान आगे देखो। ओपन इस टर्म को इस तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान आगे कैसे? आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, फिर इस आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बाहर आ गया, आई कैप डॉट जे कैप, फिर इस आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर बाहर आ गया तो आई कैप डॉट के कैप। अब किसकी बारी? जे वाली टर्म की, जे वाली टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई तो टू इंटू टू फोर, फोर इंटू जे डॉट आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू जे डॉट जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू फोर एट जे डॉट के, फिर ऐसे 9 टर्म्स आएंगी, 9 की 9 टर्म्स लिख ली 9 टर्म्स, फिर फॉर्मूला मैंने करवाया था, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सब 0। तो आपके पास यहाँ ये 1 पुट कर देना, 2 बच गया, उधर से 6 बच गया, इधर से -12 आंसर। पर आज के बाद हम ये 9 टर्म नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आई को आई से मल्टीप्लाई करके तो फायदा है, पर आई डॉट जे आई डॉट के तो पक्का आंसर क्या देंगे? 0। तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम शॉर्टकट करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट आया तो हम आई और जे, जे और के को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आई वाली टर्म को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाली जे के साथ, के वाली के साथ। तो क्या आएगा? आई डॉट आई 1, तो क्या बचा? 2। इसको इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? 6, और इसको करके -12 एक बारी में आंसर। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे एक सेकंड में हो जाएगी, 9 टर्म्स को नहीं लिखनी हमने, क्लियर है यहां तक? तो अब एक काम करो, इसका आंसर निकालो। सपोज ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आपको क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 2। जे वाली टर्म जे से तो क्या आएगा? -2, कि जे डॉट जे तो 1 होता है। के वाली के साथ तो क्या आएगा? -1। तो सॉल्व करके क्या आएगा? -1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट इजी प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं करना, आई को आई, जे को जे, के वाली टर्म के साथ आंसर, क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन के बाद ये एक क्वेश्चन है,
आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब मैं बोलता हूँ ये परपेंडिकुलर हैं तो एंगल इनके बीच में क्या होना चाहिए, 90, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर ना 90 आएगा, राइट 90 आएगा, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है तो मुझे पता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। आज हमने प्रॉपर्टी की थी कि अगर दो एंगल्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम इज जीरो। तो एक काम करते हैं, आपके पास ये ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, एक काम करो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे वाली टर्म जे के साथ, के वाली टर्म के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका सॉल्व करके क्या आ गया आंसर, जीरो। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो पक्की बात है टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब भी दो वेक्टर्स को 90 डिग्री पे देखना है कि वो 90 डिग्री पे हैं या नहीं है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो। अगर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो 90 पे हैं, और अगर नहीं आया तो 90 पे नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर इज गिवन एंड बी वेक्टर इज गिवन, तो ए वेक्टर आई जे के में गिवन है, बी वेक्टर भी आई जे के में गिवन है, पर ये सी वैल्यू गिवन है, इसको नंबर नहीं गिवन, कोफिशिएंट निकालना है आपको सी। ये सी की वैल्यू क्या होगी अगर ये दो वेक्टर्स आपस में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आंसर क्या देगा, जीरो। प्रॉपर्टी क्लियर है? तो ए वेक्टर की जगह ये ए वेक्टर, डॉट बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, और आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो लो डॉट प्रोडक्ट, आई वाली टर्म आई के साथ तो टू, जे वाली टर्म जे के साथ तो माइनस सी, के वाली टर्म के साथ तो माइनस 18 इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 16। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने में। अगर आपको ए वेक्टर गिवन है, आपको बी वेक्टर गिवन है, और आपको क्या निकालना है इनके बीच में एंगल, तो आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, राइट। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। तो ये फॉर्मूला क्लियर है? यहां पर फॉर्मूला क्लियर है? ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू याद रखना। कैसे इसे सॉल्व करना है इसको एक बार चेक करते हैं। तो जैसे आपको एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, और एक वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपको इनके बीच में क्या ढूंढना है, एंगल ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, डॉट की जगह डॉट, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ए की जगह ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। पुट कर दिया यहां पर, इसको सॉल्व किया रूट 6, सॉल्व किया रूट 6, डॉट प्रोडक्ट लें, आई को आई के साथ माइनस 1, जे को जे के साथ 2, और के को के साथ 2। तो जब सॉल्व करेंगे न्यूमिनेटर क्या आया, 3, डिनोमिनेटर रूट 6, रूट 6 6 हाफ, कॉस थीटा अगर हाफ तो थीटा कितना, 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना इसमें, आपको वैल्यूज पुट करनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर ए और बी, और आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज, क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज 2i cap minus j cap plus k cap, find angle between these two vectors. Theta निकालना आपको इसमें।
ओके, तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो ध्यान आगे प्लीज, आपने इसमें क्या किया, फॉर्मूला लगाया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, तो ए वेक्टर की जगह आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, बी वेक्टर की जगह टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसका टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो डॉट प्रोडक्ट लें, आई को आई के साथ तो टू, जे वाली टर्म जे के साथ तो माइनस वन, के के साथ तो प्लस वन, ऐसे किया डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्री और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ सिक्स, तो क्या आएगा यहाँ पर टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18, तो थीटा की वैल्यू मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो ऐसे लिखेंगे थीटा इज कॉस इनवर्स टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18 आंसर, ये छोड़ देंगे, क्या सीखा, जब एंगल पता नहीं होगा तो कॉस इनवर्स खत्म, फायदा नहीं, तब भी कौन सा निकाल लोगे, कुछ आ रहा है पूरा आ रहा है, अच्छा मैं तो रैंडम वैल्यूज दी थी, मुझे मालूम नहीं रहा क्या रूट 18 को कन्वर्ट करके 30 आ रहा है इसमें, तो इसको सॉल्व करके कर लो, नहीं आ रहा होगा मेरे को लगता है, ठीक है आगे देखो, तो इस केस में जो भी एंगल आएगा, देखो अगर तो एंगल ऐसे आए जिसमें आपको वैल्यूज मालूम है फिर तो आप एंगल लिख दोगे, नहीं मालूम तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स में छोड़ोगे और कुछ भी नहीं कर सकते, सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो मेथड क्लियर है आपको कैसे एंगल निकलेगा दो वेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट जो है फाइंड एंगल बिटवीन, इसका क्वेश्चन सॉल्व करो, ए वेक्टर बी वेक्टर ट्राई करो, तो यहाँ पर ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, तो आप इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी, तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप डॉट माइनस आई कैप माइनस जे कैप टू के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड वन का स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर, ऐसे किया और फिर इसके बाद आई को आई के साथ तो माइनस वन, जे को जे के साथ माइनस वन, के को के के साथ तो प्लस टू, ऐसे हुआ, ये क्या हो गया, न्यूमिनेटर क्या आ गया, तो फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करने का फायदा, तो सीधा आंसर क्या आ गया, जब न्यूमिनेटर जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर क्या करोगे सॉल्व करके, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो है तो थीटा कितना है 90, आंसर इज 90, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, ये पॉइंट क्लियर है कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमिनेटर ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, तो पूरा फ्रैक्शन ही जीरो हो गया, तो कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू 90 इसका आंसर है, ठीक, तो कैसे एंगल्स निकलेंगे समझ में आ रहा है, अगर तो एंगल्स अपने मतलब के निकल गए 45 60 90 फिर तो ठीक है, नहीं निकलेंगे तो अपन कॉस इनवर्स में छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब रिजल्टेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करके आर वेक्टर निकालो, वो जो आर वेक्टर होगा वो एंगल थीटा बनाएगा विद एक्स एक्सिस, आपको एंगल निकालना है, सोचें जरा कैसे करेंगे, दो मिनट सोचें,
देखो क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एक काम करते हैं, पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ का मतलब रिजल्टेंट आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर इज क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस बी वेक्टर की जगह 5i कैप 3j कैप 4k कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, आई वाली टर्म को आई में ऐड करेंगे तो 8i कैप, तो प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहले ऐड कर लिया आई को आई में, जे को जे में, के को के में, तो एक आर वेक्टर आ गया। क्लियर है? ठीक। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो आर वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर एंड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सेस। तो आर वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सेस। तो मेरे को ये सिखाया गया कि मैं एंगल निकाल सकता हूँ दो वेक्टर के बीच में, और एंगल कब निकलेगा, जब दो वेक्टर्स की वैल्यू मुझे गिवन होगी। जब दो वेक्टर की वैल्यू मुझे गिवन होगी तो एंगल निकलेगा। अब दो वेक्टर्स मुझे गिवन तो हैं, एक आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, 8i कैप 7j 9k, ये क्या है, आर वेक्टर रिजल्टेंट है, इसने एंगल एक्स के साथ थीटा बनाया। तो दूसरा वेक्टर क्या लेंगे, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप। तो मुझे एंगल किन के बीच में निकालना है, इसके और इसके बीच में। तो जैसे मैं एक नया क्वेश्चन बनाता हूं, लेट अस सपोज दिस इज ए वेक्टर, लेट अस सपोज दिस इज बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस थीटा का। तो ये पहला वेक्टर, पहला वेक्टर क्या पुट करेंगे, 8i कैप 7j कैप 9k कैप डॉट। दूसरा का यूज करेंगे आई कैप, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर, मान लीजिए बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ए वेक्टर की जगह ये वेक्टर, बी वेक्टर की जगह आई कैप, तो न्यूमिनेटर में क्या लगेगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाली टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 8। यहां पर जे नहीं है, के नहीं है, अगर जे और के नहीं है तो उनके कोफिशियंट्स क्या होंगे, 0। तो उनको जब जे और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो फायदा नहीं, आंसर क्या आएगा, 0। तो जे आई को आई के साथ तो क्या आएगा, 8। डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, सॉल्व करके अंडर रूट ऑफ 194। तो कॉस थीटा की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। तो बोलो थीटा एंड में लिखेंगे कॉस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 194। कॉस थीटा, चलो फिर तो और भी अच्छा है, फाइंड कॉस थीटा लिखा तो ये स्टेप करने की जरूरत है ही नहीं, उसने कॉस थीटा बोला बस ये आंसर आ गया कॉस थीटा टर्न। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? प्रूव दैट इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो हिंट ये है, लेफ्ट हैंड साइड लो, ब्रैकेट ओपन करो और प्रूव करो राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा।
देखो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, ए वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड इज ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर डॉट टू ए वेक्टर माइनस थ्री बी वेक्टर, इसे ओपन करेंगे राइट। देखो कैसे, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट नहीं भूल जाना प्लीज, टू इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये स्टेप क्लियर है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इस बी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फोर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इस टर्म को इससे करेंगे माइनस सिक्स बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ऐसे ही करना है, बीच में डॉट है तो बीच में डॉट हर जगह लगेगा, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर के प्रोडक्ट में डॉट या क्रॉस तो पक्का आएगा, बीच में बिना डॉट या क्रॉस के कुछ नहीं हो सकता। हमने क्रॉस शुरू नहीं किया तो डॉट तो आएगा ही आएगा, तो मैंने इस टर्म को इससे डॉट लिया, इस टर्म को इससे किया, इस टर्म को इससे किया, इस टर्म को इससे किया, चार जो है चार वैल्यूज आ गई। क्या स्टेप क्लियर है? कॉन्स्टेंट को बाहर रखना है इनसे, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, तो बोलो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, क्लियर है राइट। तो एटलीस्ट मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा, और मैं यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ ए बी कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दो वैल्यूज क्लियर हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये ए वेक्टर है और डॉट ए वेक्टर है, बी वेक्टर की जगह फिर से ए वेक्टर है, तो बताओ क्या आएगा? ए इंटू कॉस ऑफ, एक वेक्टर का खुद के साथ ही एंगल क्या बनता है? हमेशा जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो इसका मतलब जहां पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है वहां पर आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में ए ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, कितना? ए स्क्वायर। तो ये लो, टू इंटू क्या आएगा? ए स्क्वायर। कई लोग ये बोल रहे थे ए वेक्टर का स्क्वायर कर दें, ये अलाउड ही नहीं है, ए वेक्टर तो वेक्टर है, वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, वेक्टर की वैल्यूज का स्क्वायर हो सकता है। पर ये कैसे आया समझ में आया यहां पे? उसी तरीके से यहां पर क्या पुट करेंगे? बी इंटू कॉस जीरो क्या आएगा? बी स्क्वायर। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज बी स्क्वायर, बी इंटू कॉस जीरो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर विल गिव सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां पर एंगल इनके बीच में जीरो बनेगा, तो क्या आएगा? टू ए का स्क्वायर, तो यहां पर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स बी का स्क्वायर। प्रूव हो गया। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इस? आप मुझे ये कह रहे हैं, देखो ओके, एक क्वेश्चन आया है कि ये तो मेथड ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओपन करने में। सेकेंड मेथड जो आप चाह रहे हैं कि ऐसा डिस्कस करें कि शायद आंसर आ जाए, देखो कैसे, ये कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, इस पूरे वेक्टर को हम एक नया वेक्टर मान लेते हैं, एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर कुछ भी, इस पूरे वेक्टर को नया वेक्टर मान लेते हैं वाई वेक्टर, और x वेक्टर डॉट क्या निकालना है? y वेक्टर। मेरा x वेक्टर इसके इक्वल है, y वेक्टर इसके इक्वल है, तो मुझे एक बात बताओ, x वेक्टर डॉट y वेक्टर को क्या लिखेंगे? x इंटू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा।
आप मुझे ये बता नहीं पाओगे कि इस पूरे वेक्टर के साथ एंगल क्या है। आप एंगल क्या पुट करो, थीटा नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। इस पूरा वेक्टर और पूरे वेक्टर के बीच में एंगल थोड़ा ना गिवन है, तो मेथड नहीं चलेगा। आपको ओपन ही करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थीटा यहाँ पर किसके बीच में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है। आप इसको पूरा एक वेक्टर मानेंगे, इसको वेक्टर मानेंगे, तो आपका ये आंसर आएगा। तो जब आप एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो आप क्या पुट करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर का मॉड का मतलब इसकी वैल्यू भी आपको पता नहीं क्या है। फिर इंटू वाई की जगह पुट करेंगे टू ए वेक्टर माइनस थ्री बी वेक्टर का मॉड, अब इसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता नहीं क्या है, तो ये मेथड चलेगा नहीं। ठीक, तो ये ओपन करने वाला मेथड ज़्यादा शॉर्ट है और आसान भी है। एक और प्रॉपर्टी है इसकी डॉट प्रोडक्ट की ही, आज हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट, राइट, स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ज्योमेट्री को यूज करना, और क्या करना, ज्योमेट्री को यूज करके ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। ठीक है, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना बी वेक्टर के ऊपर। तो जब एक वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी पे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं इसको देखें। मान लो आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और एंगल इनके बीच में कितना है, थीटा। अब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालने बी वेक्टर के ऊपर। तो हमने कॉम्पोनेंट से काम किया, और हमने क्या किया, कॉम्पोनेंट कैसे निकलते हैं, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट अगर बी पे निकालना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये एक वेक्टर आता है नया, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर ये ए तो ये क्या आता है, ए कॉस थीटा, याद है, पी पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। तो कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, यही तो कॉम्पोनेंट होते हैं। तो कॉम्पोनेंट के अंदर हमने क्या किया, तो कॉम्पोनेंट के अंदर ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी वेक्टर पे क्या निकलेगा, ए कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो मुझे क्या निकालना है इसमें, इसका कॉम्पोनेंट, और कॉम्पोनेंट क्या आ गया, ए कॉस थीटा। इस कॉम्पोनेंट का दूसरा नाम प्रोजेक्शन भी होता है, प्रोजेक्शन। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या है, ए कॉस थीटा, या ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी वेक्टर पे क्या है, ए कॉस थीटा, एक ही बात है। ठीक है, अब ये तो वैल्यू है ए कॉस थीटा। अगर मैं ये कहूं कि ए कॉस थीटा इसकी वैल्यू है, मुझे वेक्टर फॉर्म बताओ, क्योंकि एक वेक्टर निकलेगा, इस वेक्टर की अगर मुझे वेक्टर फॉर्म बताना है, तो मुझे वैल्यू के साथ क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। इसकी वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन कहां पर है, अलोंग बी वेक्टर। तो ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन साथ लिखी मैंने, और मुझे पता है अलोंग बी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी कैप। अलोंग ए वेक्टर होता तो ए कैप, अलोंग बी वेक्टर तो बी कैप, अलोंग सी वेक्टर तो सी कैप, अलोंग एक्स एक्सिस तो आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस तो जे कैप, राइट। तो ये टर्म आ गई मेरे पास। तो इसमें इस जो टर्म है, इसको बोलते हैं, मैंने कॉम्पोनेंट निकाला और कॉम्पोनेंट की वैल्यू निकाली अलोंग बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? अब इस रिजल्ट को यूज कैसे करना है, इसको एक बार चेक करते हैं।
देखो इस कॉन्सेप्ट को ना, इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी की बजाय न्यूमेरिकल में समझते हैं। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे याद करने का मतलब नहीं है, एक और सीट आप बी कैप, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो ध्यान दे, आगे देखो प्लीज। सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको कंपोनेंट निकालना है किसका, आई कैप, जे कैप और माइनस थ्री के कैप का ओवर एक्स एक्सिस। आपको कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर का किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये ए वेक्टर मान लें जिसकी वैल्यू क्या है, आई कैप, जे कैप, माइनस थ्री के कैप, और इसका कंपोनेंट कहाँ निकालना है, एक्स एक्सिस। कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये बनेगा वेक्टर, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अगर ये ए है, ये थीटा है, मान लो एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें, तो मुझे ए कॉस थीटा निकालना है। और डायरेक्शन कहाँ होगी, ए कॉस थीटा की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा आंसर आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई कैप। ये भी क्लियर है? तो अगर मैं अब आपको ए कॉस थीटा की वैल्यू बता दूं, मेरा आंसर वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। और क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक लिख लिया। तो ए वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है, आई कैप, जे कैप, माइनस थ्री के कैप। बी वेक्टर क्या बनेगा, किसके ऊपर कंपोनेंट निकालना है, एक्स एक्सिस, तो बी वेक्टर को क्या मानेंगे, आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन कहां निकालनी है, अलोंग एक्स एक्सिस, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है? तो एक हो गया ए वेक्टर, एक हो गया बी वेक्टर, तो एक काम करते हैं, यहां पुट करते हैं, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह आई कैप, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, वन। तो डॉट प्रोडक्ट लें आई को आई के साथ, जो कि आंसर आएगा वन। जे को फायदा नहीं है, के को फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट है ही नहीं जीरो, तो आंसर क्या आएगा, वन। तो ए कॉस थीटा कितना आ गया, वन। तो मेरा आंसर क्या था, ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, वन, और पीछे क्या, आई कैप, ये आंसर है। तो थ्योरी याद नहीं करनी, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर कैसे आएगा, कोई डाउट इसमें? तो आपने क्या करना है, इसमें आपको वेक्टर पता होने चाहिए कि किसका कंपोनेंट किस पे निकालना है। तो इसका कंपोनेंट इस पे निकालना है, तो ये ए वेक्टर और ये आई कैप क्या होगा, बी वेक्टर। तो आपको निकालना क्या होगा, ए कॉस थीटा आई कैप। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, पुट करके आई कैप। एक काम करो, जैसे जैसे सपोज करो क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड कंपोनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकालो। तो आपको इसमें प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन निकालनी है किसकी, या कंपोनेंट निकालना है किसका, इसका। तो इसका नाम क्या देंगे, कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। अब किसके ऊपर निकालना है, वाई एक्सिस। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो ऐसा डायग्राम बनाऊं, सपोज दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, एंड इसका कंपोनेंट किस पे निकलेगा, अलोंग
वाई एक्सिस, तो लेट अस सपोज दिस इज वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ मान लो इसने एंगल क्या बनाया, थीटा, ऐसे ही बनेगा डायग्राम। तो ए वेक्टर का एंगल वाई के साथ थीटा, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ऐसे, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो आएगा, इसको क्या नाम देंगे, ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस होता है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस पे निकालना है, तो फिर से ए कॉस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, ए कॉस थीटा अलोंग वाई एक्सिस की जगह क्या लिखेंगे, जे कैप। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ए कॉस थीटा अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर है? अब ए कॉस थीटा की वैल्यू के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो यहां से ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, राइट? तो ए इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर बोलो क्या होगा इसमें, दिस इज ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर, बोलो बी वेक्टर क्या होगा, जे कैप, क्योंकि बी वेक्टर क्या बनेगा यहां पर, जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, वन, तो जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन, क्योंकि के और उसको आई को मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में जे को जे करेंगे तो वन, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, वन, और पीछे क्या लग गया, जे कैप। क्या ये मेथड क्लियर है, तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, इस कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, डायग्राम। ये मान लो कोई भी ए वेक्टर है, ये वाई एक्सिस है, ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर निकालना है, जैसे ये मान लो ये ए वेक्टर है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और अगर ये मान लो थीटा है, तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट लास्ट टाइम रेजोल्यूशन किया था ए कॉस थीटा, और ये वाला ए साइन थीटा, अपने को कहाँ निकालना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा, क्लियर है?